अभी हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यार आज का व्लॉग ना लेट शुरू इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ना मेरे वो मसला हो गया था उसका माइक का। मोटर व्लॉगिंग आज करनी थी, मैंने जाना था क्लास से, तो हमारा सफ़र जो सारा 40 किलोमीटर का है, तो रास्ते में मैं बोलता है वो माइक की पिन नहीं सही तरह लगी, मतलब माइक बिल्कुल ओके है हमारा, माइक हमारा बिल्कुल ओके, लेकिन मसला ये था कि ना वो तो कवर जो है ना वो पीने लगाने में थोड़ा इशू होता है, तो कवर यार चेंज कर लेना क्योंकि ना यार बहुत तंग कर रहा है कवर, मतलब ना पीने भी सही तरह लगती है जैक पूरी, तो उसमें थोड़ा सा मसला हो गया था बाकी पेन का। वरना मैं बोलता यार था रास्ते में यकीन हुआ ना अल्लाह ने बचाया, स्पीड नहीं थी हमारे पास, बाइक भी है दूसरी है हमारे पास बाइक माशाल्लाह, ये देखे ना वाई वी आर हमने हिसाब की रखी हुई है, तो यार बुरा ना बनाना दो दिन के बाद वाई वी आर है ठीक है ना। मैं किसी के साथ में जो ऐसी आजकल हो रही है ना लड़ाई वाई वी आर वन फाइव की आपस में, तो लड़ाना करो यार सब दोस्त भाई एक जैसे हो। तो अच्छा मैं राय कर रहा था कि ये बाइक ने अल्लाह ने बताया हमें कि मैं ना मोटर व्लॉगिंग कर रहा था, रास्ते में जाते जाते मैंने वीडियो बंद की है, ये तो है ना रास्ते में जाते जाते ना अचानक हमारा सीन ये हुआ कि ना पीछे वाला टायर की टायर फट गया और बड़ी मुश्किल से मैंने टायर गाड़ी संभाल ली है, वही भी यकीन हुआ ना अल्लाह ने बचाया आज बच गए किसी तरीके से। अब आप लोग ये पुल का व्यू चेक करो, मुझे व्यू बड़ा अच्छा लगता है पुल का, तो हमारा सफ़र जो है 40 किलोमीटर का है तकरीबन, या उससे ज़्यादा का ही है, ये देखा व्यू चेक करें जरा आप लोग। आज आप लोगों को राइट एंगल वाला व्यू नहीं मिलेगा क्योंकि ना आज हमारा जो सर वो दरअसल वो मतलब क्या कहते हैं हाँ राइट एंगल वाला ब्लास्ट जो सर वो घर रह चुके क्योंकि वो भूल गए थे घर जल्दी जल्दी भी आया मेरा, तो भूल गए घर वैसे भी यार ये बाइक आपने क्या व्यू ले लेंगे हम लोग वैसे ही देख लो ठीक है ना। तो आप लोगों ने ना यार ये आवाज़ को इग्नोर करना बाइक की क्योंकि सिलेंसर की आवाज़ जो सी है बड़ी बुरी, पता नहीं इसके अंदर कौन सी चीज़ फंसी हुई है तो बड़ी बुरी आवाज़ आती है। तो अभी ना हमने अपने माइक में जा रहे हैं क्योंकि हमारा मोबाइल आईफोन तो ये हीट हो जाता है जल्दी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा शरीर उड़ी तो हीट हो जाना मुझे पता है, इसी वजह से ना थोड़े थोड़े प्लेट्स आपको ऐड करके दे जाऊँगा और आप लोग इन्जॉय करो ठीक है ना हमारा मोटर व्लॉगिंग। तो आज हमारा सफ़र यही होगा कि हमें ना पता चल जाएगा कि हमारी हम कहाँ तक जा सकते हैं हेलमेट वगैरह पहन के, 40 किलोमीटर तक का अगर कर लिया तो समझो फिर हम दूसरे शहर तक भी अलहमदिल्ला जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं, ये तो रास्ता हमें सीधा सीधे जाना हुआ निकल नहीं बनना है, तो साथ साथ आपको अपडेट करते हैं ठीक है ना। नहीं अभी आपको मैंने कैमरा ऑन कर लिया और फुल रश हो गया वहाँ पर, पता नहीं मेरे ही करके रश हो गया। तो हाँ यार मैं आप लोगों को बता रहा मेरे ना चैनल जेम में ना यही बार बार बात आई जा रही है कि अपनी बाइक स्पीड चलानी है यार जी, यही मानो अगर स्पीड चलाते फटती ना ट्यूब तो हाँ लोग अल्लाह माफ़ करे ऐसा करना नहीं चाहिए, बहुत चोट लगनी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी, तो इंजन भी गाड़ी का फुल गर्म हुआ मेरे पैर पर लगा अचानक से, थोड़ा गर्म है इंजन। तो अभी ये रोड है मैं जानी सीधी फुल सीधे यार क्या व्यू हो, फर्ज करो आप लोग इमेजिन करो जरा ये यही रोड हो आगे पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और आगे भाई अपने डोडो पे जा रहा है उस पर, क्या मज़ा है यार क्या मज़ा है। वो अच्छा मेरे सारे घर वाले यही प्रेफर करते हैं कि गाड़ी पे जाना चाहिए मरी वगैरह नार वगैरह वगैरह, और मैं कहता हूँ यार अगर आप लोगों ने जाना ही है तो फन करो आप लोग उसका बाइक का जो मज़ा है ना, मेरे चाचू का देख मतलब चाचू का तो देखते हैं अभी जाना कि नहीं, तो चाचू कह रहे हैं मेरे को अगर जाना होगा मुझे बता देना जितने पैसे लगने हैं मैं दे दूँगा, चाचू कहते हैं वैसे भी बाहर कोई नहीं तो देख रहे अगर जाना हो तो मेरे क्योंकि बाहर जाने देना है फिर, तो देखेंगे अभी अगर उन्हें जाना हो तो मैं फिर साथ जल्दी जाना मैंने, तो उसके अलावा ना यकीन माना यार मेरे को देख में अभी तक वो डर रहा ही जा रहा है ट्यूब फट रहेगा। अच्छा अगर बंदे ने ना ऐसे सफ़र में भी जाना हो ना तो पैसे इजाफी अपने साथ रखने चाहिए क्योंकि ना इजाफी पैसों का ये फायदा हो गया मैं कि मैं 1000 रुपया ले गया था अपने साथ, 30 रुपये 1000 रुपया ले गया था, तो अचानक ही ना मतलब मैंने कहा था यार रख लेते पैसे ज़रूरत पड़ जाती होती, पिछली बार जरूरत नहीं पड़ी थी मैंने कहा इस बार ज़रूरत पड़ जाएगी, तो फैल फिर ही वो टायर फट गया और ज़रूरत पड़ गई 800 रुपया टायर का ही उसने दे दिया, नया टायर नहीं उसने यूजेबल टायर दिया और यूजेबल ट्यूब थी, पैसे में आ रहा था न्यू का मतलब न्यू का 2500-3000 था, तो मैंने कहा भाई इतने नहीं है हमारे पास, तो आप ना मेरे को यूजेबल दिखाओ, कहता यूजेबल भी हमारे पास, मैंने कहा वो देखो, तो यूजेबल ले गया मैं, तो उसका मैं फ़ायदा हो गया कि टायर भी अच्छा मिल गया, तो
रिजनेबल टाइम का ये फायदा कि अच्छा मिलेगा हमें। तो अब नहीं बाइक हिल रही है, वरना पहले बाइक जो ऐसे से हिल भी रही थी बिल्कुल, और ऐसे हो रहा था जब टायर फटा ना, एक पीछे वाला टायर फुल यहाँ पर, उसके बाद वहाँ पर भाई फुल, मैं हिल रहा हूँ। मैंने कहा लो जी मेरा हेलमेट भी गया, मोबाइल भी गया, मैं भी गया आज। वैसा लड़का बैठा मैंने कहा आज उसका भी फ्री में उसकी टिकट कट की आज, अल्लाह माफ करे। तो बच बच्चा हो गया हमारा, बड़ी मस्ती से हम बच्चे हैं। तो अभी चलते हैं साथ साथ आपको अपडेट करते हैं। अभी तो यहाँ से बहुत रास्ता पड़ा हुआ है, तो अभी ये ना थोड़ा मेरे ख्याल से कलोनी वाला एरिया शुरू हो गया। हाँ अभी कलोनी आनी है, जहाँ मतलब आगे सारी कलोनी वगैरह आनी है, तो उससे आगे जाना होंगे, तो साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। तो अभी चलते हैं, अभी वाटर वगैरह किसी ने पकड़ लिया ना, पैसा वैसा मेरे पास कोई नहीं है, 200 रुपया पड़ा हुआ मैंने कहा, वो भी रास्ते में ना अगर इस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ना, तो इसी वजह से रखा हुआ, वरना मैंने कोई और ज़्यादा पैसे ले के नहीं आया। तो नसीहत हो गई कि अंदर से ज़्यादा पैसे ले गया ना पैसे, लेकिन ज़्यादा भी ले गया नहीं, ये भी बात तुम्हें, क्योंकि ऐसे अगर आप सफ़र में जाओ ना तो अचानक मतलब कोई मतलब हादसा लगा हो सकता है, तो उससे पहले आपको तैयार होना चाहिए उन चीज़ों का, मतलब उन चीज़ों को फेस करने के लिए। तो अभी चलते हैं और साथ साथ आपको अपडेट करते हैं। हम ये आप लोगों को बाइक का पूरा रिव्यू देते हैं। हम रुके हैं अभी इस टाइम रो पीने के लिए कहने की, क्योंकि फुल गर्मी है। तो आप लोगों ने ना यार एक काम करना है, इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो अभी हमारा बहुत सफ़र बड़ा हुआ है, तो साथ साथ आपको अपडेट करते हैं। अभी जरा हम जरा खुद गैस में से हो जाए, उसके बाद आपको अपडेट करते हैं, ठीक है ना। मैंने रो वगैरह तो पी ली है, तो अभी मेरी बस होगी तो भाई गाड़ी चलाएँगे और मुझे वहाँ तक लेके जाएंगे, मेरी तो फुल बस होगी है। चलो भाई चलें फिर वहाँ से। हम हुए थे तो रास्ते में वापसी में वीडियो इस वजह से नहीं बनाई, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा यार सही नहीं, मतलब ना मोबाइल हीट हो जाता, तो यार ये यकीन मानो इतनी गर्मी में मोबाइल अगर हीट हो जाता तो गोप्रो तो फिर हैंग होनी है यार। फिर उसके अलावा मैंने सोचा, मैंने कहा यार कोई ना मतलब अगर लंबे सफ़र पर निकलना हुआ ना, तो कोई एंड्रॉयड में मोबाइल साथ लेके निकलेंगे, जिससे ना मतलब कोई वीडियो वगैरह अच्छी शूट हो सके और वो हीट ना हो सके। और वो भी देखेंगे जब निकलना हो, मतलब कोई लंबे टूर पे इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। तो अभी आज का व्लॉग एंड कर लेते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे नए से नई वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।